नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। विकास नगर चा विघ्नहर्ता हमारे पापा को बोलते हैं। हमारे मंडल का ये 30वां वर्ष है और यदि आप इस मंडल में आ रहे हैं, पापा के दर्शन काफ़ी समय से ले रहे हैं, तो आपको पता होगा किसी बच्चे को कहीं एडमिशन लेना हो, किसी के घर में कोई हारी बीमारी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी मनोवांछित फल कोई चाहता है, सब तरीके की इच्छाएं लेके अलग अलग समुदायों के लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। उनका ये विश्वास होता है कि यदि वो यहाँ पे आएंगे और बापा के चरणों में अपनी बात बोलेंगे तो बापा उनकी सुनेंगे और आज नहीं तो कल उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो उनकी समस्याएं होंगी वो बापा यहाँ उनके पैरों में छोड़ के वो जाएंगे और उनका निवारण होगा। क्या मांगे हैं इस साल बापा से? दुष्यंत शुक्ला की बात करें तो क्या मांगे हैं बापा से? दुष्यंत शुक्ला की अगर आप व्यक्तिगत बात करेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सबके लिए सुख समृद्धि खुशहाली। जो अकालग्रस्त जगह हैं वहाँ पे अच्छे से पानी आए ताकि हमारे जो किसान हैं वो थोड़ा फले फूले, उनका घर चले, उनकी खेती अच्छी होगी तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को अनाज मिलेगा। हमारे चुनाव आने वाले वर्सोवा, हमारे विधानसभा के वर्सोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी खूब मेहनत कर रही है, कई प्रत्याशी हैं। मैं सबके मंगलमय जीवन के लिए, सबकी सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। हमारे जितने विकास नगर के रहवासी यहां पे साथ में हैं, सबके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। सबके जीवन में छोटी बड़ी बातें होती हैं, किसी के कोई दुख होता है, किसी के कोई परेशानी होती है, बापा से प्रार्थना करता हूं कि सबके सब परेशानियों का, दुखों का निवारण हो, सब सुखी रहें, सब फलते फूलते रहें, सब खुश रहें। गणपति बापा का जो त्योहार है ये एकता का प्रतीक है, मैं यही संदेश देश को देना चाहता हूँ। सब साथ में रहिए, मिलके रहिए इस त्योहार की तरह से, जैसे इस त्योहार में अलग अलग धर्मों के संप्रदायों के लोग आते हैं, बापा का आशीर्वाद लेते हैं, अपनी मन की बात बोल के जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हैं जो उनकी सुनने वाले हैं। तो हम सब जब साथ में रहते हैं तो उसका कोई भी बात हो, हम एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं और जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास का, उसको हम और बुलंद कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मंडल के माध्यम से कि आज हमारे बप्पा जा रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में विकास नगर, सारा वर्सोवा विधानसभा और यहाँ के रहवासी, ये सारे लोगों